अपने आसपास के लोगों में जो सबसे अच्छा गुण आपने देखा है उन्हें उनके उस गुण से पहचानें। लोगों को सबसे बुरे गुण से पहचानने के बजाय उनके सबसे अच्छे गुण से पहचानने से आप उनके सर्वश्रेष्ठ पहलुओं को उजागर करेंगे, तब उनके बेहतरीन पहलू पोषित होंगे और आपको मिलेंगे। आप जिस चीज पर ध्यान देंगे वो स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी, कम से कम आपके लिए। आप जिस भी इंसान से मिलते हैं उसमें कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ होती हैं। अगर आप बुराइयों पर ध्यान देंगे तो आपका मन बुराइयों में फंस जाएगा, किसी और की कुटिलता आपकी हो जाएगी और इसीलिए आपके चारों ओर से वही चीज ज्यादा से ज्यादा मिलने लगेगी। अगर आप अच्छाइयों पर ध्यान देंगे, भले ही कुछ लोगों में अच्छाइयाँ बेहद कम हो, पर अगर आप सबसे अच्छे पहलू पर ध्यान देंगे तो वो बढ़ेगा, कम से कम आपके मन में, आपके अनुभव में वो बढ़ेगा और उनके अंदर भी उस अच्छे पहलू के बढ़ने की पूरी संभावना है। जब आप इस दुनिया में रहते हैं तब कई लोग आपसे तरह तरह की बुरी बातें कहेंगे और बुरी चीजें कहेंगे, पर अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो आप अपने मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप अच्छे पहलू पर ध्यान देंगे जो उन लोगों में भी मौजूद हो सकता है जो लगातार जहर उगलते हैं, एक बात तो ये है कि उन बातों को लेकर आपका मन कभी खराब नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि पूरी संभावना है कि वो भी एक दिन बदल जाएंगे। अपने अंगुलीमाल के ऋषि बनने के बारे में सुना है, आपने वाल्मीकि के एक महान ऋषि बन जाने के बारे में सुना है। ऐसे कई किस्से हैं जिनमें से कुछ ही मशहूर हुए। ऐसे दूसरे कई लोग हैं जिन्होंने अपनी बुराइयों को अच्छाइयों में बदल दिया है, केवल इसलिए कि किसी ने उनकी अच्छाइयों पर ध्यान दिया था। तो कृपया आप जिस किसी से भी मिले, जो कुछ भी आप उनमें सबसे अच्छा देखते हैं उस पर ध्यान दें, उसे एक तयशुदा चीज मान लें जिसे वो लोग अपना सकें, बजाय इसके कि अपने दिमाग में उनकी बुराइयों को पकड़ कर रखना और उन्हें बुरा स्वभाव अपनाने देना। जीवन के हर पल में इसका अभ्यास करने का अवसर आपके पास है, ये एक संभावना है। आइए इसे एक सच्चाई बनाते हैं।